लगातार सोना पांडे और तूफानी लाल का जो विवाद चल रहा था, इस बीच में एक्टर समीर चौधरी को लगातार गालियां मिल रही थी। बाकी एक्टर समीर चौधरी जी आज हमसे जुड़ चुके हैं। ये जो विवाद था सोना पांडे और तूफानी लाल के बीच था, फिर आपको बीच में क्यों गालियां पड़ी? हमने फोन किया पहले सोना पांडे को और कहा कि सोना, अगर तुम्हारे पास सबूत है, एविडेंस है तो बताओ क्या है। तो हीरोइन बन रही थी, तीन पाँच कर रही थी। उसके बाद इसके जब तूफानी से हमारी बात हुई तो उसने कहा कि अगर भैया सबूत है इसके पास तो बोलिए, हमारे पास दिखाएगी और हम इसके साथ ब्याह कर लेंगे, चाहे हम इसको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन सब कुछ भी नहीं, ये अपना गाना बजाने के चक्कर में एगो नाम पब्लिसिटी स्टंट मार रही थी। और हमारा बउआ हमारा से उलझने थोड़ा छोड़बू ना, अभी देख लो बीना मानवी सब बोल रही है ना, सब आ गलो। अरे हमारा से लड़मी ना तो तोरा कोई ना छोड़ दो, महिला विकास मंच भी खड़ा हो गलो, अब बड़ी जल्दी तोरा दाँत झड़ तो। एगो कोई गायक था कहा लो ना गए वो गंदा गाना कर लेके नकबा तोड़ दिल्कुन ओकरा, आए सिसबो फोड़ दिल्कू गड़िया के। तो याद रखो कि हम अच्छाई के लिए बात करते हैं और अच्छाई के आगे बुराई का जीत कभी नहीं होता है ना हो बहु। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कोई सोना पांडे से मैटर नहीं ना था पहले से? घप लिट्टी वाला हाँ? देखिए कैसे दाँती हार के बतिया रहा लगता है भाई। तो भाई के हम मैंने अगला के कुछ बोलो लंगोटी के ढीला नहीं है तो समीर चौधरी इतना कैरेक्टर के ढीला रहा तू यार, इतना गिरल किस्म के आदमी। रुक जो ओकर नाम से हमारा घिन आ गल एकदम महके लगल कैसे तो बाप रे बाप घिन बड़ा सही बोल रहे हैं। जैसे कि वो कपड़ा को एक्टर बताते हैं मॉडल बताती है पिल्लू 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 लगा ले उस समय एकदम ऐसे ऐसे वाला पिल्लू है बाप रे। आप बोलती है तो गांजा फूको ना वो आए अपने बोल रहा था हमारा का अंजेरी गंजेरी से हम लोग बाप रे मुँह महकाओ तो ऐसा ना जैसे पिछवाड़ा महकाओ आदमी के। तो कैसन तू लोग आदमी है यार, कैसा कैसा सबको न्यूज बना के आ जाता है। तो वो सब महा भैया था सबकी मतलब एक पंडित घराने से आती है इस तरीके का करना। भैया हम औसन सब पंडित के हाथे जो रही हो बार बड़ी कह बो इतना पांडे के बारे में बोले हैं कि आप लोग आके इसको सुधारिए, अगल बगल के जो भी ब्राह्मण है इसको जाकर डांटिए बोलिए कि तुम पांडे का नाम काहे बेच रही हो। हमको कुछ पांडे फोन करके बोले भैया मेरा जात का नाम बचाइए तो हम उसको सोना पैखाना बोलना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन अगर मंदिर में हम लोग जाते हैं, तमाम हिंदू भाई जाता है तो सबसे पहले क्या मिलता है? भगवान जी तो ना आते हैं वेलकम वेलकम करे लगे, पंडित जी आते हैं आए स्वागतम आइए। तो ऐसे रहेगा तो कभी भी कोई मंदिर में जाना चाहेगा नहीं जाना चाहेगा। जो जिस ब्राह्मण का बाले बच्चा ऐसा रहेगा छलबिदर छलबिदरी टाइप का तो उसे ब्राह्मणों का भी कुल ना खराब हो रहा है यार, तमाम ब्राह्मण का उसे जाति का दाग लग रहा है। बहुत घटिया बात है कि ब्राह्मण के ऐसा बाल बच्चा भी निकल गया रंडा रंडी बहन चो अभी दूसरे जात से शादी करने के वो शादी उदी कर दो यार। वो कितना के हनीमून मना लेके कितना ओकरा साथ हाँ होता वो नहीं जान रही है, ओकरा गरिमान नहीं तो ओकरा बोला ना कि समनवा पे हाथ रख के क्रिया खा लेगी। एक खबर निकल के बीच में आ रही थी कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप को बोल रहे थे कि मनीष कश्यप एक कैसे पद